ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण जी। दोस्तों, सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार आए और नाग पंचमी पे उपाय ना करें तो बात ही क्या है। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है और जिनकी कुंडली में राहु केतु के बीच में सभी ग्रह चल रहे हैं, जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, या जिनको बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का डिप्रेशन, एंजाइटी, बड़ी बड़ी मानसिक अवसाद, मानसिक परेशानियां रहती हैं, और जिनकी कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष है, पद्म काल सर्प दोष है, महापद्म काल सर्प दोष है, तक्षक काल सर्प दोष है, इस प्रकार के जो 8 प्रकार के जो विशेष रूप से कोई काल सर्प दोष जिनकी भी कुंडलियों में बने हुए हैं, वैसे मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं, पर ये 8 नागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, इन देवताओं की अगर पूजा का एक विधान है, नाग देवता का सावन के महीने में 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 5 बजे से लेके, आप वैसे तो सुबह 8 बजे तक है, पर आप पूरा दिन भी कर सकते हैं, पर सुबह 5 से 8 बजे कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। करना क्या है, चांदी के, असली चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेना है। आप ज्वेलर की शॉप पे जाएंगे सुनार जी के पास में, तो आप लोग को कहना है मुझे असली चांदी के जो नाग नागिन का जोड़ा है वो दीजिए, गिल्ट वाले या मेटल वाले नहीं लेने, असली चांदी के नाग नागिन का जोड़ा ला करके नारियल पे लपेट के पंडित जी से पूजा करवा के पहले उस नाग नागिन के ऊपर आपने दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाना है, नाग देवता के मंत्र होते हैं उनका आवाहन करके उनकी पूजा की जाएगी। रोली मोली चावल फल पुष्प चढ़ा के नाग देवता की पूजा करनी है सच्चे मन से। दोस्तों, कहते हैं कि इंसानों के साथ ही नाग देवता रहते हैं, जहां इंसान है वहां नाग जरूर होते हैं, और नाग देवता इंसान से ज्यादा दूर नहीं रहते। जहां इस धरती पे इंसान जहां रह रहा है वहां नाग देवता जरूर होंगे, यानी स्नेक सांप जरूर होंगे। और आप यकीन मानिए, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को स्नेक के सपने आते हैं, जिनकी कुंडली में खास करके काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में सर्प दोष का कोई भय है, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं सांप के स्वप्न या सांप से संबंधित भय मन में विचार रहता है। तो अगर आपको भी ऐसे विचार रहते, जीवन में स्ट्रगल ज्यादा है, सारे ग्रह लॉक हुए हुए हैं, जीवन में निराशावादिता ज्यादा है, तो इस बार नाग पंचमी के ऊपर आपने ये नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव के ऊपर पूजा पाठ करके और प्रार्थना करके जरूर चढ़ाना है, अपने नाम का संकल्प जरूर करवाना है। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहां कोई ब्राह्मण नहीं है, आपको लगता है कि आप संकल्प किससे करवाएंगे पंडित जी से, तो ऑनलाइन फैसिलिटी लीजिए, वो भी नहीं मिलती आपको, तो आपने हाथ में जल लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना गोत्र बोलना है। गोत्र जो आपका सरनेम है, या गोत्र आप बुजुर्गों को पूछेंगे गोत्र क्या है, तो गोत्र नहीं पता तो जो भी सरनेम आपका लगाते हैं वो सरनेम लगा के, और वो हाथ वाला जो जल है प्रार्थना करके, हे भगवान, मैं नाग देवता जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा हूँ, हाथ में थोड़ा दूध और जल लेके और चावल लेके प्रार्थना करके नाग नागिन के ऊपर छोड़ दीजिए जो चांदी का बना हुआ है, उसके पश्चात आपने भगवान शिव पे चला देना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से आप परेशान हैं, तो आप कोई बंधा हुआ सांप हो, किसी सपेरे के पास, किसी जोगी के पास में सांप को लॉक किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो उसे आप कुछ पैसे देके आप अपना नाम गोत्र बोल के जंगल में छुड़वा दीजिए, जंगल में चला जाए सांप, बस ये प्रार्थना करिए वो छूट जाए। तो सर्प को जब आप बंधन से मुक्त कराएंगे उससे भी आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पूरे सावन के महीने में आप ये उपाय सोमवार की सोमवार कर सकते हैं, 4 सोमवार 5 सोमवार, इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, 5 सोमवार में कर सकते हो, नहीं तो नाग पंचमी वाले दिन आप जरूर जरूर करिएगा। क्या करना है, आटे के 108 नाग नागिन का जोड़ा बनाना है। नाग नागिन का मतलब एक जोड़ा एक हुआ, मतलब सांप सांपिन, नाग नागिन मतलब वन सेट हो गया, तो ऐसे 108 यानी 216 पीस टोटल बनेंगे, ठीक है। तो आपने नाग देवता का नागिन का ध्यान करते हुए आटे के छोटे 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 नाग नागिन का जोड़ा बनाना है, और उसे आप अखबार के ऊपर न्यूज़पेपर पे रख के थोड़ा हल्का सा सुखा लीजिए, हवा के अंदर, पंखे की हवा में सुखा लीजिए, और उसके पश्चात उसे आप नदी में लेके जाएं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक जोड़े को इकट्ठा उठाइए
ओम नमः शिवाय प्रवाहित कर दीजिए। दूसरा जोड़ा उठाइए, ओम नमः शिवाय बोल के जल में प्रवाहित कर दीजिए। दोस्तों आपको पता है मैं जल में बहाने के ज्यादातर उपाय नहीं बताता कभी भी, लेकिन बस ये सावन के महीने में एक यही उपाय है ताकि उस आटे की जो गोलियां बन के, जो नाग नागिन का जोड़ा बन के जो आप जल में भेजेंगे तो जल वाले जीवों को वो मिल जाएगा सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में जल के जीव जो है वो बहुत सारे व्याकुल होते हैं खाने पीने के लिए। तो दोस्तों ये नाग नागिन के जोड़ा आप चढ़ाएं, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो और इसके अलावा मोर पंख आप अपने सिरहाने रख लीजिए सावन के महीने में। अगर असली मोर पंख आपको मिल जाए तो आप अपने बेडरूम में सिरहाने की तरफ, अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी में, सब जगह लगा के रखिए और फिर देखिए कमाल, काल सर्व दोष से भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय करने से जरूर कल्याण होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नई आगे आने वाली जानकारी आपको मिल सके। आज्ञा दीजिए नारायण जी को, फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, ओम नमः शिवाय।